गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये जो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम डील करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 आज सॉल्व करना है क्लास 8 का, ये मैथ का। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 7/4 और -5/6। तो 7/4 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको देखा जाए। इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक दूसरा एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसको देखिए। अगर बोल दे कि आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट 3/5 ऑन द नंबर लाइन, अगर कह दे कि 3/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, इसको समझ लेते हैं फिर इसको बनाएंगे। तो देखिए जी, ये 3/5 जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं जिसका न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो। क्या प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं जिसका जो है न्यूमरेटर जो है ना, न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला, ये फ्रैक्शन के ऊपर वाला न्यूमरेटर जिसको बोलते हैं वो लेस देन डिनोमिनेटर हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। इसके वजह से एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो, है ना, न्यूमरेटर जो बड़ा हो। यहां पर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था इसलिए इसको हम नहीं बताएं, पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन को देखेंगे फिर इसको समझेंगे। तो जब न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो जाएगा तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम समझते हैं, इसके मीनिंग क्या है, 3/5 का मतलब क्या होता है, देखिए जी। अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तब तो उसको समझ में आएगा। अगर ये रहा हमारा नंबर लाइन, ये हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। और ये 3/5 का मतलब ये हुआ कि 5 का तीसरा भाग, यानी कि डिनोमिनेटर क्या है 5 है, तो 5 का तीसरा भाग। तो हम क्या करते हैं कि यहां से इधर की तरफ पॉजिटिव नंबर रहेगा और इधर की तरफ नेगेटिव नंबर रहेगा, ये तो बात हमको पता है। तो हम क्या करते हैं कि एक पार्ट लेते हैं, ये 1 यहां पर स्टार्ट करेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको वैसे 5 का तीसरा भाग हमको इस पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 1 इतना छोटा ना लेकर के हम क्या करते हैं थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि 1 जो है ये यहां पर है 1, ठीक है, ये यहां पर 1 है, यहां से यहां जो लंबाई है उसको 1 बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये 1 है, इस 1 को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इक्वल इक्वल पार्ट में 1 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया है ना, इस 1 को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब इस 1 को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया और उसमें से 5 का तीसरा भाग, यानी यहां से यहां 5 पार्ट है उसका तीसरा भाग, तो एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट, तो ये रहा हमारा पॉइंट 3/5। बात समझ में आया क्या। अब ये 1 कैसे हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, इस 1 को नहीं लिख सकते हैं क्या चीज, 5/5 लिख सकते हैं ना जी, 5/5, 5/5 कट जाएगा तो 1 आएगा। तो ये रहा 3/5, तो ये रहा रिप्रेजेंट कर दिया हमने नंबर लाइन पर। अब इसको 3/5 तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इसको हम यहां पर 1/5 लिख सकते हैं ना जी। ये 5 का यहां से यहां 5 पार्ट है, 5 का पहला भाग, ये 5 का दूसरा भाग, ये 5 का तीसरा भाग जिसको रिप्रेजेंट करना था, ये 5 का चौथा भाग और ये 5 का पांचवा भाग यानी कि 1, ठीक है। तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इधर जो जाएगा तो -1/5, -2/5, डैश डैश डैश, ठीक है, इधर भी डैश डैश डैश। तो पता क्या चला कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0 से 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये कब होगा, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा। ये कब हम काम करेंगे, जब प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा, हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा, यानी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, तब ये काम करेगा, ठीक है, ये जो कंसेप्ट है तब काम करेगा। वैसे तो बता क्लास में बताने के लिए लोग ऐसे ही बता देते हैं कि करना कुछ है नहीं, जो भी नंबर दिया रहे उसको आपको 0 के बाद से डिनोमिनेटर को देख लीजिएगा, 5 है तो यहां पर लिख दीजिएगा 1/5, ये रहा हमारा 2/5 और ये रहा 3/5 और ये रहा 4/5 और ये रहा 5/5, ऐसे जो है आपको लिख देना है, सिखाने वाले सिखा देते हैं ऐसे लिख देना है 5/5, ऐसे भी कह सकते हैं ये -1/5, ये -2/5,
एक जो है लय में, एक जो है लय में हमने काम कर दिया और 3/5 में 3/5 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये कंसेप्ट है, ये ट्रिक है, लेकिन फील यहां से होता है कि 3/5 का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये जो फर्स्ट मेथड है, इस फर्स्ट मेथड से पता चलता है कि 3/5 का मतलब क्या होता है। 3/5 तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि ये 3/5 के लिए पहले 1 लिखना है। ठीक है, दोनों ही आप लिख सकते हैं, इसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इसका असल मतलब है, पहले 1 लिखना है। उस 1 को डिनोमिनेटर को देख करके जितना लिखा है डिनोमिनेटर, अगर 5 लिखा है तो 5 पार्ट में डिवाइड करना है, अगर 6 लिखा है तो 6 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद से 5 का तीसरा भाग ढूंढना है, तो 5 का पहला भाग ये रहा, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग, इसको हमने इंडिकेट कर दिया। ठीक है, तो ये एक तरीका है, प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा फ्रैक्शन तब। अब क्या है यहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसको देखा जाए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो ये 7/4 है, तो सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में हम करेंगे। ठीक है, ये 7/4 है ना, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन जब कीजिएगा तो क्या आएगा, 4 1 4 + 3 है ना, 4 1 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7/4। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही जैसे कि हमको पता है पहला मेथड 0 ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद से यहां पर हम क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 1 हो गया। अब ये 1 से ज्यादा है, देखो 1 यहां पर है और 1 से ज्यादा 3/4 है। ठीक है, तो 1 तो ले लिए और 3/4 आएगा, 1 से ज्यादा इधर होगा ना कि इसके बीच में होगा। ठीक है, तो 1 हमारा ये हो गया और 1 से ज्यादा होगा ये 3/4। 3/4 का मतलब 7/4, तो 7/4 ये तो पता लग गया कि 1 से इधर राइट साइड में ही होने वाला है। तो क्या करेंगे कि इधर की तरफ हम क्या लेंगे, जितना इसको लिए है ना उतना ही इधर की तरफ हम क्या करते हैं कि यहां पर 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां से यहां को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये 1 के बाद हम काम करने वाले हैं, तो यहां से यहां को 4 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 चार पार्ट में डिवाइड कर दिए इस डिनोमिनेटर को देख करके, और इसमें से 4 का तीसरा भाग ले लेंगे, यानी कि ये हमारा रहा 4 का तीसरा भाग, पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, तो ये हमारा इंडिकेट हो गया क्या थी, ये 3/4। तो 3/4 का मतलब क्या हुआ, इसको ये आगे है ना 1 से, तो इसलिए यहां पर 1 लगाना होगा। ठीक है, ये 1 लगाना होगा और ये 1 3/4 को हम कह सकते हैं क्या चीज, 7/4। ठीक है, इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं। अब ये इसका कंसेप्ट ये रहा कि ऐसे इसका मतलब समझते हैं कि 7/4 का मतलब क्या हुआ। अब यहां से यहां तक ये 1 है, ठीक है, तो ये यहां से यहां तक 1 है, तो जाहिर सी बात है जब इधर हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं तो इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये हमारा ये 4/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा जी, अगर इसको 1 को हम लिखें तो 4/4 लिखेंगे ना, 4/4 कट के 1 आएगा, तो ये हमारा 1/4 हो जाएगा, यानी 4 का पहला भाग, ये 4 का दूसरा भाग है ना, और ये 4 का तीसरा भाग और ये 4 का चौथा भाग, और उसी तरह ये यहां पर ये 1 तो है ही यहां पर, उसमें आपको क्या जोड़ना है, यहां से यहां जो 4 भाग है उसमें 1/4, ये 4 का पहला भाग है ना, तो 1 प्लस, अगर इस पॉइंट को बोले 1/4 तो 1/4 यानी कि 4 1 4 + 5/4। और वैसे भी देख लीजिए 1/4 2/4 3/4 4/4 ये 5/4 आ रहा है क्या, उसी तरह ये 6/4 आ जाएगा, उसी तरह ये 7/4 आ गया, और ये 8/4 का मतलब क्या हुआ, 8/4 का मतलब गया कि कट कर कितना आ गया 2, तो 2 हम तो लिए ही थे, तो ये इसका असल कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, इसको हम इसको ऐसे हम इंडिकेट कर देंगे, इधर की तरफ -1/4 -2/4 डेस्ट। ठीक है, तो ये पहला मेथड है ना, फर्स्ट मेथड इसको हम बोल रहे हैं, आपको जिस मेथड से बनाना है बना सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड मेथड आपको दे रहे हैं, ये असल में होता ये है, लेकिन सिखाने के लिए डायरेक्ट बच्चों को आसानी से ये समझ में आता है, करना कुछ नहीं है, आपको 0 ले लेना है, इधर 1/4 कर देना, ये कितना दिया हुआ 7/4 लिया है ना, तो डिनोमिनेटर को देख करके हम बोल देंगे 1/4 2/4 3/4 4/4 जो 1 हो जाएगा कट करके, 5/4 6/4 7/4 8/4 ये कट के 2 हो जाएगा, इधर -1/4 -2/4 इधर की तरफ नहीं है नंबर, ये प्लस में, इधर नेगेटिव में हम कम लेंगे
ठीक है, ये एरो दिखाई देंगे यहाँ पर, है ना, एरो दिखाना जरूरी है ताकि ये पता लगे इधर की तरफ जा रहा है ये अभी आगे है, तो इसको डैश नहीं देने देंगे, जब एरो दिखा देंगे तो डैश देने की जरूरत नहीं है। तो अब पता ये लगेगा कि इसको आराम से हम ऐसे कर दिए हैं, बहुत आसान है, बस इसको डिनोमेटर देख के 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 ऐसे कर दिए, 7/4 है तो 7/4 को ऐसे हम इंडिकेट कर देंगे, हमारा आंसर हो गया। तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन असल मीनिंग इसका ये है, इसका मतलब ये होता है, है ना। चलिए इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद से 7/4 हो गया, अब जो है -5/6 को इंडिकेट करना है, तो दोनों ही मेथड से आप इंडिकेट कर सकते हैं, है ना। -5/6 है, इसका मतलब क्या है, हमको नेगेटिव में जाना है, लाइन ले लीजिए, जीरो ले लीजिए, इधर 1/6 और इधर 2/6, 3/6, है ना, इधर कम जाएंगे, इधर हमको ज्यादा जाना होगा, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, ये -5/6, -6/6 जो कि -1 हो जाएगा, और जो बचा हुआ है -5/6 इसको हम ऐसे इंडिकेट कर देंगे, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि रिप्रेजेंट -2/11, -5/9, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, बोला है कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर हमारा 11 है, ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर 11 है तो क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर में हमको 11 लेना है, इधर की तरफ 0 ले लेंगे, सॉरी नेगेटिव में जो है ज्यादा है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे 0, इधर 1/11, इधर 2/11, बस इतना ही, इधर -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -8/11, -9/11, ठीक है, तो बचा हुआ -9/11 इसको इंडिकेट यहां कर देंगे, -5/11 को यहाँ इंडिकेट कर देंगे, -2/11 को यहाँ इंडिकेट कर देंगे, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर थ्री में देखना है, राइट 5 पर्सनल नंबर, बोला है कि राइट 5 पर्सनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2, ठीक है, बोला है राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2, दो से छोटा जो है 5 रेशनल नंबर लिखना है, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला है राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, दो से छोटा आपको 5 रेशनल नंबर लिखना है, तो आप क्या कीजिए कि एक नंबर लाइन ले लीजिए, इसका कई मेथड है, हम जो बता रहे हैं उसको देखिए, एक नंबर लाइन ले लीजिए, उस नंबर लाइन पे 0 ले लीजिए यहां पर, ठीक है, और यहां पर 1 ले लीजिए, ठीक है, और यहां पर 2 ले लीजिए, और पिछला ही क्वेश्चन से हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको 4/4 लिख सकते हैं क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, 8/4 लिख सकते हैं, ये 4/4 कट जाएगा तो 1 आएगा, ये 4 से 8 कट जाएगा तो 2 आएगा, तो अगर हम बोले कि यहां से यहां 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दे तो 1/4 था ये, 2/4 था ये, 3/4 था, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 4/4 है तो ये 5/4, और ये 6/4, और ये 7/4, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 से छोटा कितना, 5, तो 2 तो है ही, ये 8/4 है, इससे छोटा 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, इधर भी जाएगा, -1/4 हो जाएगा, -2/4 हो गया, -3/4 हो गया, तो 2 से छोटा बोला है तो इधर की तरफ चलते चले जाएंगे, अब जहां तो जाएंगे सब बहुत सब के सब छोटा ही है, 2 से इधर जाएंगे तो सब 2 से बड़ा है, इधर जाएंगे तो सब 2 से छोटा है,
बस इधर जो आपको लिखना है इसमें से ढूंढ कर जो लिख दो, चार टू या पांच टू, जो कितना मांग रहा, पांच मांग रहा था, पांच टू यहां से यहां तक लिख दो या इधर भी नेगेटिव वाला लिख दो, सब सही है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इस टू छोटा अगर जाएंगे तो 1/4 कर दीजिए, 2/4 कर दीजिए, 3/4 कर दीजिए, 4/4 कर दीजिए, 5/4 कर दीजिए, है ना। सिर्फ यही नहीं है फोर वाला, हो सकता है कि यहाँ पर हम कह दें कि 10/5, जब 10/5 कहेंगे, 10/5 कहेंगे तो भी तो ये 2 आ जाएगा ना, 2 से छोटा, तो 10/5 होगा तो 1/5, 2/5, 3/5, बहुत कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं है ये 2 से छोटा, इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है, ये सिर्फ 5 मांग रहा है, इनफाइनाइट अनगिनत, इसको काउंट नहीं कर सकता कितना नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 and 1/2। ठीक है, -2/5, -2/5, -2/5 एंड 1/2, 1/2 और -2/5 के बीच में आपको कितना निकालना है, 10 रेशनल निकालना। ठीक है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 and 1/2, -2/5 और 1/2 के बीच में कितना रेशनल निकालना है जी आपको, 10 रेशनल का। इसका बनाने का तरीका बहुत सारा है, ठीक है, हम जो मेथड बता रहे हैं जो सिंपल सबसे है उसको देखा जाए। देखिए जी, आपको मांग रहा है 10 रेशनल नंबर, ठीक है, इन दोनों के बीच में, तो सबसे पहला जो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कि इसको उतारने के बाद से आपको क्या करना है कि इसके जो दो भी जो दो दिया है रेशनल नंबर उन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है ना, इस दोनों का डिनोमिनेटर को सेम कर करके ही हम कुछ ऐड कर सकते हैं। तो 5 और 2 को हम इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इन दोनों के डिनोमिनेटर का हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, बिना एलसीएम लिए हम इसको जो है डिनोमिनेटर को सेम नहीं कर सकते। तो अगर हम कहेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 10। तो जब 10 हो गया एलसीएम इसका, ये काम रफ में करेंगे, तो -2/5 इसके डिनोमिनेटर में किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जिस चीज से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिए या नीचे जिस चीज से मल्टीप्लाई किए हैं उसी चीज से ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ताकि इसको कैंसिल आउट करने के बाद इसमें कोई असर ना पड़े, जो है वही रहे। उसके बाद से इधर भी हम क्या करेंगे, 1/2 है तो 2 को किसी से मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद से क्या करेंगे, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/10 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 5/10 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको मांग रहा है 10 रेशनल नंबर, ठीक है, जब 10 रेशनल नंबर मांग रहा है तो हम क्या करेंगे कि यहां पर n इक्वल टू 10 है तो क्या करेंगे, n में एक जोड़ देंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे n+1 कर करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब n+1 कीजिएगा, n+1 है ना, यहां लिख देते हैं, n+1 कीजिएगा तो 10+1 इक्वल टू में 11 आएगा, तो इसका मतलब ऊपर नीचे 11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब -4/10 में अगर हम 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनेगा, इधर जो मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से ही, ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये -44/110, और ये कितना बनेगा जी, ये बन जाएगा आपको कितना, 55/110। अब क्या है कि इन दोनों के बीच में आपको कितना 10 रेशनल नंबर आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। देखिए ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन को छोड़ दीजिए, तब नंबर लाइन क्या जरूरत है, यहाँ पर कर सकते हैं -4/4 से बस आगे बढ़ते चला जाना है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं -4/4/110, ठीक है, तो इससे बड़ा कौन सा होगा, -43, ठीक है, -110, इससे बड़ा कौन सा होगा, -42/110, इससे बड़ा -41/110, इससे बड़ा -40/110, इन दोनों के बीच में बहुत सारा नंबर है, ठीक है, जरूरी नहीं इतना ही है, ठीक है। हम यहाँ पर 10, 11 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, आप चाहे तो 10 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिस से मल्टीप्लाई करना होगा
उसी चीज से ऊपर नीचे इसमें भी मल्टीप्लाई कर, दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने इसमें एन प्लस वन करके मल्टीप्लाई कर दिया है। आप चाहे तो जो है टेन से सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो सिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने इलेवन से मल्टीप्लाई किया तो बहुत सारा नंबर मिल जाएगा। देखिए माइनस फोर्टी बाई वन टेन, आगे माइनस थर्टी नाइन अपॉन वन टेन, ठीक है माइनस थर्टी एट अपॉन वन टेन, इससे बड़ा जैसे तो माइनस में हमको जीरो के पास पहुंचना है। माइनस थर्टी सेवन अपॉन वन टेन, माइनस थर्टी सिक्स अपॉन वन टेन, कितना हुआ एक दो तीन चार पांच छह सात आठ हुआ। माइनस थर्टी फाइव अपॉन वन टेन, माइनस थर्टी फोर अपॉन वन टेन, ठीक है माइनस थर्टी थ्री अपॉन वन टेन, ठीक है कितना हुआ एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, ठीक है। देखिए अगर आप 55 अपर वन टेन जाइएगा तो माइनस 33 अपर वन टेन इस तरह कम होते होते ये जीरो अपर वन टेन पाएगा जी, ठीक है। और फिर ये वन अपॉन वन टेन पर जाएगा, टू अपॉन वन टेन पर जाएगा, उसके बाद से ये 55 अपर वन टेन तक जाएगा। तो इन दोनों के बीच में बहुत सारा नंबर हमको मिल गया। और जरूरी नहीं है कि ये बुक के आंसर से मैच करे, अलग अलग डिफरेंट आंसर हो सकता है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर वी कैन फाइंड। हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, अनगिनत रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है बुक आंसर से इसका आंसर मिले, डिफरेंट हो सकता है। कोई हो सकता है हमने यहाँ पर 11 अपन 11 से मल्टीप्लाई किया है, हो सकता है कोई 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। इसके बाद से पहले डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद से ही हमको डिसाइड करना है किससे मल्टीप्लाई करना है। हमने बड़ा नंबर ले लिया तो बहुत सारा नंबर मिल गया, आप छोटा नंबर लेकर के चेक कर लीजिएगा। तो हमारा आंसर इतना ही है, ठीक है। यहां से यहां तक आप ले सकते हैं, ये माइनस 44 अपन 110 तो ये खुद है ही। इसके बाद से यहां तक ये तीन और ये चार सात और तीन दस, यहां से ये पूरा लिख दीजिएगा आंसर में हो जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं आप, इसके बीच में बहुत सारा ऐसा नंबर है जो आप लिख सकते हैं आंसर में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हो गया। इसमें मेन ये देखना था कि जो डिनोमिनेटर है उसको कैसे सेम करना है, एलसीएम कैसे उसको सेम करना है, और सेम करने के बाद से ही हम जो है डिसाइड कर पाते हैं कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव बोला है कि फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन, इतना लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव बोल रहा है कि फाइंड फाइव रेशनल नंबर, फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन, पहला है टू अपॉन थ्री एंड दूसरा है फोर अपॉन फाइव, ठीक है। उसी तरह इसमें बोल रहा है माइनस थ्री बाई टू एंड फाइव बाई थ्री, ठीक है। बोला है टू बाई थ्री एंड फोर बाई फाइव के बीच में निकाल लीजिए, माइनस थ्री बाई टू एंड फाइव बाई थ्री के बीच में हम निकालिए कितना पांच रेशनल नंबर। हम पहला सॉल्व करते हैं। पहला में हम क्या करेंगे कि टू बाई थ्री और ये फोर अपॉन फाइव है, तो जैसे कि हम बात किए थे एलसीएम का, तो एलसीएम इसका 15 हो जाएगा। आप चाहे तो निकाल कर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं इसका एलसीएम हो जाएगा 15। तो हम क्या करेंगे टू बाई थ्री लिखने के बाद से थ्री में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाए, तो फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह ये फोर बाई फाइव है, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 लाना है तो 3 से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम। उसके बाद से ये 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और इतना करने के बाद से आप जिससे चाहे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि दो नंबर के बीच में हमको कितना मिल रहा है। हम क्या करते हैं, चूंकि n इक्वल टू 5 है तो n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, यानी 5 प्लस 1 6 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। जब 6 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये 10 डिवाइडेड बाई 15 इंटू में 6 तो ऊपर भी 6, ठीक है। और ये रहा 12 डिवाइडेड बाई 15 तो इंटू में 6 ऊपर भी 6, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वो 60 डिवाइडेड बाई 90, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये 72 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपको, ये 90। तो इन दोनों के बीच में हमको कितना मिल गया जी, ये हमको देखिए इन दोनों के बीच में 10-11 मिल गया है ना। देखा जाए बोलेंगे तो 61 डिवाइडेड बाई 90, ठीक है, 62 डिवाइडेड बाई 90, 63 डिवाइडेड बाई 90, 64 डिवाइडेड बाई 90 है ना, 65 डिवाइडेड बाई 90, 66 डिवाइडेड बाई 90, कितना मांग रहा था जी, कितना मांग रहा था, 5 मांग रहा था, 5 मिल गया,
6 हो गया ना, 65 तक लिख दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है ना। आप चाहे तो हम यहाँ पर ये प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम कह रहे हैं, आप चाहे तो कम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या दिक्कत है ना। अगर आप इसमें किसी से मल्टीप्लाई किए तो एग्जैक्ट 5 आएगा, अगर इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 20 हो जाएगा, है ना, और ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर 20 हो जाएगा, ये 15 30 हो जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर हो जाएगा 24, तो 30 और 24 के बीच में आपको मिल जाएगा। ठीक है, करके दिखाते हैं आपको। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा एक दूसरा तरीका से आपको दिखाते हैं, हम क्या करते हैं कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। अब 10/15 एंड 10/15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी 2 से, जिस चीज से इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना उसी चीज से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 20/30 एंड ये कितना हो जाएगा 24/30, है ना। तो अगर आप कहिएगा इन दोनों के बीच में तो 20 के बाद से 21, 22, 23 तीन टू मिल रहा है ना, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कितना मिल रहा है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36, तो 4 मिलेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा जी 48 और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 40 और 48 के बीच में 7 मिल जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो सकता है। इसके बाद से लिखेगा तो 41/60, है ना, उसके बाद से 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, है ना, 5 माना तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, ये 48 तक जाएगा। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है और हर एक आंसर सही है ना। जरूरी नहीं है कि बुक के आंसर मैच करे, हर एक आंसर सही है। हम पहले ही बात किए थे कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है -3/2, ठीक है, और माइन एंड 5/3, तो 2/3 और 5/3 है, तो इसके और इसके बीच में तो इसके एलसीएम कितना हो जाएगा, आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, हम डायरेक्ट इधर 6 हो रहा है, तो -3/2 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 5/3 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद से ये कितना हो जाएगा -9/6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10/6 हो जाएगा। तो -9 है और इसके बीच में 5 मांग रहा है, तो बिना और किसी मल्टीप्लाई किए आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम कह रहे हैं -9/6 है, इसे इससे बड़ा क्या होगा, तो -8/6 हो जाएगा, इससे बड़ा -10/6 हो जाएगा, इससे बड़ा -6/6 हो जाएगा, इससे बड़ा -5/6 हो जाएगा, इससे बड़ा -4/6 हो गया, इससे बड़ा -3/6 हो गया, ये -2/6, -1/6, ये 0/6, ठीक है, जिसको 0 बोल रहे हैं, उसके बाद से 1/6, है ना, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 7/6/6, ठीक है, और ये होगा 7/6, ये 8/6, ये 9/6, ये 10/6 आ गया, क्या 10/6 यहाँ है ना, 10/6 यहाँ है और 9/6 यहाँ है, इन दोनों के बीच में इतना नंबर हम निकाल लिए, इसमें से कोई 5 ढूंढ कर लिख दीजिएगा, बात खत्म। ठीक है, चलिए ये खत्म हो गया। हम आगे क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर, बोला राइट राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन, ठीक है, इसमें बोला है ग्रेटर देन -2, यानी -2 से बड़ा, ठीक है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ग्रेटर देन, तो एक नंबर लाइन ढूंढ लीजिएगा, ठीक है, और इधर की तरफ माइनस है तो माइनस जगह ज्यादा छोड़ दीजिएगा, 0 हो जाएगा, और यहां पर कर दीजिएगा आप क्या चीज, ये -1, यहां पर कर दीजिएगा -2, ठीक है, तो -2 को आप चाहे तो लिख सकते हैं -8/4, वही वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको लिख सकते हैं -4/4, कट के इतना आएगा, और इसके बीच में लिख दीजिए ना जी, है ना, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर -1/4, यहां पर -2/4, यहां पर -3/4, है ना, और ये -4/4 है ही, है ना, और ये -5/4, यहां पर -6/4, अब इसके बीच में आंसर आप लिख लीजिए बना करके, क्या चीज, है ना, बना के लिख लीजिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इससे छोटा, इससे छोटा का मतलब क्या हुआ,
इससे छोटा का मतलब और इधर नीचे जाना होगा, प्लस टू से छोटा का मतलब सॉरी ग्रेटर देन बोला ना जी, ग्रेटर देन बोल रहा है तो इधर जाना होगा, प्लस टेन बोलता है तो इधर जाना होगा, तो ग्रेटर देन बोल रहा है तो ये यहां से लेकर के इधर जो है ना ये वन अपॉन फोर, ये टू अपॉन फोर, ये थ्री अपॉन फोर, इधर टोटल नंबर ही हो जाएगा। तो आप यहां से लिख दीजिए ये माइनस एट अपॉन फोर यहां पर है ना, तो माइनस एट अपॉन फोर, उसके बाद से माइनस सेवन अपॉन फोर है ना। अगर आपको सो ये तो सिर्फ समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये माइनस टू को एट अपॉन फोर कह दीजिएगा, माइनस एट अपॉन फोर, या माइनस टेन अपॉन फाइव, माइनस ट्वेंटी अपॉन जो है टेन, सबको काटिएगा तो माइनस टू आने वाला है, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो कि कट जाए। अब एक ठो लिख दीजिए, लिखने के बाद से घटाना शुरू कर दीजिए, माइनस सिक्स अपॉन फोर, माइनस फाइव अपॉन फोर, माइनस फोर अपॉन फोर, कितना निकलना है जी फाइव, तो ये माइनस थ्री अपॉन फोर, देखिए पांच हो गया, जो उससे बड़ा है। बड़ा का मतलब क्या, राइट साइड में आपको जाना पड़ता है, ठीक है। इसको दिखाने की जरूरत नहीं है आंसर में, ये सिर्फ समझाने के लिए है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए नंबर लाइन पर है। आप साफ से नंबर लाइन पर बना लीजिएगा आपको बनाना है तो, ठीक है। ये नंबर लाइन पर माइनस एट अपॉन फोर लिखने के बाद से इधर जितना भी नंबर है सब एट माइनस एट अपॉन फोर माइनस टू से बड़ा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन जरूरी नहीं है सबका आंसर मैच करेगी, हम पहले बोल रहे हैं डिफरेंट आंसर हो सकता है। हम यहाँ पर माइनस एट अपॉन फोर हम लिए हैं, कोई लेने वाला माइनस टेन अपॉन फाइव ले लिया हुआ तो आंसर नहीं मैच करेगा, तो जरूरी नहीं है। और बोल रहे हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर कैन फाइंड, फाइंड टेन रेशनल नंबर बिटवीन थ्री बाई फाइव, बोला है ये फाइंड लास्ट क्वेश्चन है, ये फाइंड टेन रेशनल नंबर बिटवीन कितना थ्री बाई फाइव एंड थ्री अपॉन फोर, यानी कि थ्री बाई फाइव और थ्री बाई फोर के बीच में कितना दस रेशनल नंबर निकालना है आपको, ठीक है। टेन रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री बाई फाइव एंड थ्री बाई फोर, तो वही वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे हम, एन इक्वल टू हमारे पास टेन हो जाएगा, तो एन प्लस वन इक्वल टू एक जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा इलेवन हो जाएगा, दस में एक जोड़ देंगे और ये थ्री बाई फाइव लिख देंगे, और ये थ्री बाई इसको आधा सोल्व करके आपको देते हैं, आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। थ्री बाई फाइव लिख देंगे, थ्री बाई फोर लिख देंगे, और फाइव और फोर का जब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा कितना बीस, ठीक है। जब बीस एलसीएम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि ये थ्री बाई फाइव है इसमें फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी आपको फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इधर थ्री बाई फोर है तो इधर भी फाइव से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर भी फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कोई पूछे भाई इधर फाइव से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि हमको ट्वेंटी लाना है, एलसीएम के बराबर लाना है। अब क्या करना है, ये हो जाएगा बारह बटा में बीस, और इधर कितना हो जाएगा जी ये पंद्रह बटा में बीस, बारह और पंद्रह के बीच में तेरह चौदह दो ही मिल रहा है, निकालना कितना है दस निकालना, ठीक है। तो ग्यारह से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या दिक्कत है, आप क्या कर दीजिए कि इसके अगला स्टेप में बारह बटा में बीस है ना, तो इसमें इलेवन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और इधर भी पंद्रह है, इधर भी इलेवन से, और बीस इलेवन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ग्यारह दूनी बाईस है ना, करी दो ग्यारह में ग्यारह, ग्यारह दो तेरह, ठीक है। तो ये हमारा एक सौ बत्तीस आ गया, और ये कितना हो जाएगा दूनी बाईस एक जीरो है ना, और यहाँ पर ग्यारह पचपन कैरी फाइव इलेवन 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 और फाइव कितना हुआ सिक्सटीन डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा ग्यारह दूनी बाईस और एक जीरो। अब इन दोनों के बीच में बहुत सारा नंबर है, टेन नहीं बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो आप टेन से ही मल्टीप्लाई कीजिए, कौन है इलेवन का झमेला जो है करने जाए है ना, टेन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पांच से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलिए हम पांच से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। आप साठ और इधर कीजिए तो पांच, तो साठ और पांच पंद्रह पचहत्तर, इसके बीच में मिल गया दस हो गया खत्म कहानी है ना, ये फाइव बाई ट्वेंटी और इंटू में आप पांच से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट मत इस्तेमाल करिए नहीं करना है तो, ठीक है। ये बारह पचास साठ हो गया, और ये हो गया आपके सौ, ठीक है। और ये कितना हो गया जी, ये पंद्रह पच्चीस पचहत्तर फिफ्टीन फाइव सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड, ठीक है। अब इसके बीच में आप निकाल लीजिए, सिक्सटी तो खुद है ही, और इसके आगे जाएंगे तो सिक्सटी वन बाई हंड्रेड, सिक्सटी टू बाई हंड्रेड, सिक्सटी थ्री बाई हंड्रेड, सिक्सटी फोर बाई हंड्रेड, सिक्सटी सिक्स बाई सॉरी सिक्सटी फाइव बाई हंड्रेड,
और 66 बाई 100, 67 अपॉन 100, 68 अपॉन 100, 69 अपॉन 100, 70 अपॉन 100 कितना हो गया जी, 3 और 4 7 और 3 10 हो गया, 75 तक जाना है, आप जाना चाहते जा सकते हैं, 10 तो बाद 10 हो गया आंसर हमारा। तो क्वेश्चन का आंसर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है, एनसीईआरटी का लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई चीज परेशानी हुई है अभी तक पिछले वीडियो में, जो भी कमी है, खूबी है, जो भी कमी है आप बता सकते हैं हमको कमेंट कर करके, तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए, उसको उस कमी को दूर करने के लिए। आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट करके हमको बताइए ताकि उस कमी को दूर किया जाए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आर एस अग्रवाल का भी सॉल्व कर दें तो उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है, या आप चाहते हैं कुछ कंपटीशन लेवल का जो है सॉल्व करा दिया जाए तो उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। आपको जो भी परेशानी है उसको आप जो है कमेंट करके बताइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, थैंक यू वेरी मच।